कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम, क्षेत्राधिकारी व अन्य अधिकारियों से कहा कि अन्य प्रदेशों से आ रहे मजदूरों को बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों पर रखा जाए, वहीं सभी आने वाले मजदूरों की जांच, भोजन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही सभी एसडीएम और क्षेत्राधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए लॉकडाउन का पालन कड़ाई से करवाएं। बैठक में प्रमुख रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, सीडीओ हर्षता माथुर, सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी, पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक क्राइम अशोक कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, एडीएम प्रशासन डॉक्टर चतुर्वेदी गुप्ता, एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवार सहित जनपद के कई एसडीएम और क्षेत्राधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा भी कोई जनपद से आ सकते हैं, वैसे जो मेन पुलिस कुछ लोग आए उसी टाइम का सूचना मिलता तो बता देंगे। जनपद का कुछ क्रम तो शुरू हो गया, ये लगातार आएंगे तीन के बाद भारी मात्रा में भी आएंगे। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने बताया, तो सभी अधिकारी का एक मीटिंग था, खासतौर पे हम लोग और आगे कैसे उसका लॉकडाउन का लेके जाना है उसी के बारे में बहुत सारे पॉइंट में हम लोग चर्चा किए थे। और इसका खासतौर पे हम लोग और मजबूती से और भी फिल्टर बढ़वा रहे। पहले तो केवल जनपद का बाहर रोक था, अभी समय में तीन लेयर में हम लोग उसको फिल्टर करा रहे हैं। जो भी बाहर से व्यक्ति आता है, जो यदि एम्बुलेंस के जरिए से आता है, नहीं तो लेबर के रूप से आता है, किसी रूप से भी आता है, उनको पहले जनपद का बॉर्डर में ही तो रुका जाएगा, फिर उनका परीक्षण होगा, उसके बाद यदि तो सही है तो फिर अपने गांव का क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, यदि सही नहीं है तो फिर सीधे जिला अस्पताल नहीं तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जाकर इलाज कराएंगे। उसके बाद यदि तो जनपद के अंदर घुस गया, अपने तहसील में जाता है, तहसील का बॉर्डर में भी एक नाका लगाया गया, वहाँ भी फिल्टर होगा, वहाँ भी चेक कराया जाएगा, यदि आदमी सही है तो फिर आगे बढ़ने देगा। उसके बाद गांव में भी एक हम लोग थर्ड लेवल का फिल्टर रखा है, वहाँ गांव लेवल का अधिकारी कर्मचारी के माध्यम से फिर फिल्टर होगा, इनकेस वो वहाँ भी संदिग्ध लगता है तो सीधे फिर जिला अस्पताल आ जाएगा, नहीं तो फिर क्वारंटाइन सेंटर में रहेगा। पहले एक ही लेवल का फिल्टर था, इस समय में हम लोग तीन लेवल का फिल्टर करा दिए, ताकि कोई भी बाहर का इसी टाइप का मरीज है, कोविड का संदिग्ध है, ऐसे कोई व्यक्ति अनाधिकृत तौर से ना घुस सकें। जो भी आता है सीएमओ के जरिए से प्रॉपर जाँच होके, मेडिकल टीम से जाँच होके आ सकें, और जनपद से बाहर भी निकल रहा है उनको पूरा सीएमओ के जाँच हो करके मेडिकल परीक्षण के बाद ही निकल सकें, उसी का हम लोग मजबूती से सिस्टम कराएं। और बाकी कहां कहां कोई डाउट है, कहीं कोई परेशानी है, उसको भी हम लोग सुबह मीटिंग में डिस्कस करके दूर किए थे। बाकी जो बाहर से जो कितने लेबर आएंगे गोरखपुर से, जो अभी तीन तारीख के बाद नहीं तो उसके पहले, उन लोगों को भी हम लोग कहाँ रखना है, उन लोग का खान पान का क्या व्यवस्था करना है, सभी के विस्तार का मीटिंग हुई थी। और आगे भी हम लोग गोरखपुर को सुरक्षित रखेंगे, सुरक्षित करेंगे, उसी के दिशा में मीटिंग थी।